कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के द्वारा सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए निकाले मशाल रैली। छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी संघ फेडरेशन के आह्वान पर 22 अगस्त से अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन जारी है। वहीं आज धरना प्रदर्शन के दौरान लोरमी तहसील इकाई के सैकड़ों अधिकारी कर्मचारियों के द्वारा राज्य सरकार के खिलाफ मशाल रैली निकाली गई, जो नारेबाजी के साथ नगर के मुख्य मार्ग से विश्राम गृह होते हुए सभा स्थल में समाप्त हुआ। वहीं इसको लेकर राज्य प्रतीक कर्मचारी संघ के ब्लॉक अध्यक्ष अरुण जसवाल ने कहा कि छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के द्वारा प्रदेश के तमाम शासकीय सेवकों को केंद्र के समान देय तिथि से महंगाई भत्ता एवं सातवें वेतनमान के अनुसार गृह भाड़ा भत्ता स्वीकृत करने की मांग को लेकर यह अनिश्चितकालीन आंदोलन किया जा रहा है। वहीं प्रत्येक कर्मचारियों को अब तक 30,000 से 65,000 रुपए तक का नुकसान उठाना पड़ रहा है। फेडरेशन द्वारा मुख्य सचिव छत्तीसगढ़ शासन को पत्र लिखते हुए 2 सूत्रीय मांगों को लेकर 4 चरणों में आंदोलन की सूचना पहले ही देते हुए 22 अगस्त 2022 से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की चेतावनी दी गई थी, जिसके बाद केंद्र के समान अब तक 34% महंगाई भत्ता नहीं दिया जा रहा है। वहीं इस दौरान छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन लोरमी के अरुण जसवाल ने राज्य सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए मांग पूरी नहीं होने पर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन जारी रहने की बात कही। एकमात्र उद्देश्य है हमारा लंबित महंगाई भत्ता और एचआर गृह भाड़ा भत्ता जो सातवें के अनुसार हमको मिलना चाहिए। अब पिछले 6 साल से 500 से 1,500 तक की राशि महंगाई भाड़ा भत्ता के रूप में, जबकि मूल रूप से ये केंद्रीय गवर्नमेंट की ओर से कम 5 से 7 हज़ार। मैं आपको बता दूं कि 5 से 7 गुना का अंतर है, कर्मचारी इसको कैसे वहन करेगा। केंद्र के समान महंगाई भत्ता की बात है, केंद्र का महंगाई भत्ता अभी 38% है और अभी हमारा हुआ है 28%। वो भी आपको बताऊं, मैं 2.5 साल से किसी भी कर्मचारी को महंगाई भत्ते का एरियर्स नहीं मिला, मतलब व्यक्तिगत मुझको मेरी बात बताऊँ तो 1.5 लाख रुपये का नुकसान है, छोटा छोटा कर्मचारी 50,000-60,000 के नुकसान पे चल रहा है। ठीक है, नहीं दिखाएगा कुछ नहीं, हमारा चिंता मत कर। मुंगेली से प्रीतम दिवाकर, सीजी विजन टीवी।